كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. अगर फर्जी रोजों की कजा करें रमजान के बाद तो सारी करना सुन्नत है, ना करो तुम्हारी मर्जी। कहते जी कि इस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा फलस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, इंडिया में, यमन में, हर जगह परेशानी में मुब्तला है। तो दीनी इस्लाम का हुक्म ये है कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान उनकी मदद करें। मदरसे में ज़कात के पैसे इदारे पे खर्च नहीं कर सकते। वो जो गरीब तलबा पढ़ते हैं ना, उनको दिए जाते हैं। तबलीग में जाने का फायदा ये है कि मुसलमान बन जाओ, इंसान बन जाओ, जिंदगी सुधर जाए, दीन और दुनिया बन जाए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सामने सब में जगह हो तो जा सकते हैं। काले कपड़े पहनने जायज हैं, बिल्कुल जायज हैं। कहते हैं फिरौन पहनता था, फिरौन तो खैर काला खिताब भी लगाता था, तो तुम सिर्फ कपड़ों का क्यों पूछ रहे हो, काले खिताब छोड़ो। बाकी काले कपड़े पहनने को सुन्नत न समझो जैसे शिया समझते हैं, या उसको गम और सोग के लिए ना पहनो कि कोई मर जाए तो फिर काले कपड़े पहनो, वो हराम है। हज़रत फरमाया मन लबस सूदा, जो सियाह कपड़े पहनते हैं, वह शक्कल जीहूबा, अपने कपड़े फाड़ डालते हैं, वह ज़रबल खदूदा, अपने चेहरों पे थप्पड़ मारते हैं, उनका मेरी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं हरम शरीफ में जनाजा जो है मर्द और बाबा दुआ सब के लिए है, सगीर ना, कबीर ना, जकर ना, उनसा सब के लिए हो जाता है। अगर एहराम की हालत में किसी ने अतर लगाया, मैंने धो दिया बाद में, ठीक है, कुछ नहीं होता। औलाद नहीं है तो अल्लाह से औलाद की दुआएं मांगे, इलाज भी करवाओ। रब्बिल आज़ज़नी फर्दन वान तखैरुल वारिसीन।